नमस्कार मित्रों, ऑडियो स्टोरीज के मेरे चैनल नूतन कहानियों में आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, आज मैं एक रोचक कहानी आपके लिए लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है एक अनोखी राम कथा। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वह ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पन्ना पलट दूंगा। काफ़ी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धापूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया, तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। तो चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपना सिर नीचे किए हुए इस तरह के रट लगाए बैठे थे। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने, राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति ये बहुत विद्वान है, ये बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही, राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछे तो क्या कहूँगा। फिर पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज़्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी, सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है, ये बोल कब तक चलेगी, ये बात मैंने कभी किसी संत से सुनी नहीं। तब महात्मा बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है, लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया, पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी, पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया, अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है, तो वो महात्मा बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी ही नहीं कर सकता, ये मंडोदरी की बात कर रहे हैं। मंडोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप अपना जिद छोड़ दो, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंडोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, इस अधम शरीर से ब्रजन वजन तो कुछ होता नहीं, और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए, बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला जो कि आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहें वो दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। इन सब बातों का एक ही सार है मित्रों, कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों न हो, रामायण भागवत जैसी महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं, और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए तो उसकी तो बात ही क्या है, वो इतना धनी हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रोचक कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।